एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल चटुराज रसोई। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम आपके लिए लाए हैं चॉकलेट सिरप की रेसिपी, जो आप केक्स, ब्राउनीज, आइसक्रीम शेक्स किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। और ये चॉकलेट सिरप हमने बिना कोकोआ पाउडर, बिना किसी चॉकलेट के बनाया है। हमने ये चॉकलेट सिरप सिंगल इंग्रेडिएंट से 10 रुपीज़ में बना के तैयार किया है। आपको हर्शेस की वो मार्केट की चॉकलेट सिरप लाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप हमारी रेसिपी फॉलो करके इंस्टेंट ये चॉकलेट सिरप बना सकते हैं। बच्चों को ये बहुत पसंद होता है। जस्ट लुक एट दिस ब्राउनी, ये डिप ब्राउनी चॉकलेट सिरप कितनी यम्मी लग रही है देखने में। तो जल्दी से शुरू करते हैं चॉकलेट सिरप बनाना। सबसे पहले इसके इन्ग्रीडियंट्स देख लेते हैं। हमने यहाँ पर लिया है 10 रुपीज़ वाला ओरियो बिस्किट का पैकेट। आप इसकी फिलिंग किसी भी तरह की ले सकते हैं। इट डज नॉट मैटर वो चॉकलेट फिल हो, स्ट्रॉबेरी या वाइट फिलिंग हो। आपको 5 या 6 पीसेस ओरियो बिस्किट की चाहिए। इसके अलावा हमने 50 to 60 ml मिल्क लिया है और 2 teaspoon हमने इसमें शुगर ऐड करी है। बहुत ही सिंपल है इस चॉकलेट सिरप को बनाना। सबसे पहले हमें इसकी क्रीम को अलग कर लेना है। ये 5-6 बिस्किट्स ही हमने लिए हैं। इससे करीब 1 bowl ऑफ चॉकलेट सिरप हमारा बनके तैयार हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर देखिए ऐसे सारी क्रीम अलग कर ली है और जो बिस्किट्स हैं हमने ग्राइंडिंग जार में ऐड कर लिए हैं। इसमें हमने 2 teaspoon शुगर ऐड की है। आप थोड़ी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इसे ग्राइंड कर लेना है। देखिए अभी थोड़ा सा थिक है तो हम इसे दोबारा से ग्राइंड कर लेते हैं। बेसिकली हमें इसका बिल्कुल फाइन पाउडर बनाना है। देखिए इस स्टेज पे पहुंचा है। इसे थोड़ा सा और ग्राइंड कर लेते हैं और इसे हमें एक ऐसी सीव से छान के एक बाउल में निकाल लेना है। तो हम जितना भी मिक्सचर है इसे हम सीव में डालते हैं और इसे अच्छे से छान लेते हैं। यहाँ पर बेसिकली एक भी हमारा सॉलिड पार्टिकल नहीं रहना चाहिए, तो हमें इसे अच्छे से छान लेना है। सो वी आर लेफ्ट विद दिस, जो ये जो भी सॉलिड पार्टिकल्स बचे हैं इसे हमें फेंक देना है। इसे हमें इस पाउडर, देखिए कितना फाइन पाउडर बना है, इसमें हमें मिक्स नहीं करना है। आप अगर क्रीम के साथ ही बिस्किट को डायरेक्टली पीस देते हैं मिक्सी में तो ऐसा फाइन पाउडर हम उसका नहीं बना पाते। तो इसलिए हमने स्टार्टिंग में वो क्रीम अलग करी थी ताकि हम ऐसा फाइन पाउडर बना सकें। तो अब हम इसे एक बोल में ट्रांसफर कर लेते हैं। देखिए कितना फाइन है। इसके बाद हमें इसमें जो क्रीम जो हमने सेपरेट करी थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसके बाद हमें इसमें मिल्क ऐड करना है स्लोली। तो मिल्क हम इसमें ऐड करते जाएंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। तो पहले मैंने आधा मिल्क मीन्स 25 ml मिल्क इसमें ऐड किया है। इसमें अच्छे से मैं इसे मिक्स कर रही हूँ ताकि जो क्रीम है और पाउडर है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अभी थोड़ा सा पेशेंस रखना है, अभी हमारी सॉस बनके तैयार नहीं हुई है। थोड़ा सा काम हमें और करना है। ये रेसिपी आपको YouTube पे कहीं नहीं मिलेगी, आप इसे फॉलो करते जाइए। तो हमें जो बाकी का मिल्क है बचा हुआ 25 ml, वो भी इसमें हमें ऐड कर देना है। तो मैंने इसमें टोटल करीब 50 से 60 ml मिल्क ऐड किया है। देखिए इतना छोटा कप मैंने मिल्क इसमें ऐड किया है टोटल। तो आपको इसे अच्छे से यहाँ पर मिक्स करना है। जब हमने यहाँ पर सारा मिल्क डाल दिया है तो देखिए इसमें थोड़े से ऐसे वाइटिश पार्टिकल्स बन सकते हैं। ये वाइटिश पार्टिकल्स जो क्रीम हमने ऐड करी है वो इसमें अच्छे से घुली नहीं है, इसलिए यहाँ भी दिख रहे हैं। बट आप कंटिन्यू करिए मिक्सिंग। तो देखिए इस मिक्सचर की कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी है। अब हमें इसे हीट करना है। हमें इसे डायरेक्टली गैस पे हीट नहीं करना है। हमने ऐसा भगोना एक गैस पे रखा है, हमने उसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है। इसके बॉईल हो जाने पर हम इसमें बोल रखेंगे और इसे हम डबल बॉयलर मेथड से गर्म करेंगे। तो हमें इसे कंटिन्यूसली चलाते जाना है। आप देखेंगे जो वाइटिश पार्टिकल्स हैं, जो क्रीम है, इसमें घुलने लगेगी और ये चॉकलेट सिरप का फॉर्म लेने लगेगा। हमने यहाँ पर कोकोआ पाउडर, कोई भी चॉकलेट ऐड नहीं करी है। ये सिंपल जो हमारा मिक्सचर है हमें इसे डबल बॉयलर मेथड से लो गैस फ्लेम पे हमें इसे कंटिन्यूसली चलाना है। ये कुछ 5 से 6 मिनट्स लेगा पकने में अच्छे से। तो देखिए आप इसे कंटिन्यूसली चलाते जाए ऐसे। देखिए हमने इसे 4 से 5 मिनट पकाया है। जो नीचे पानी है वो भी अच्छे से गर्म हो गया है और ये भी अच्छे से गर्म होने लगा है। तो हमें इस कंसिस्टेंसी पे गैस फ्लेम बंद कर देनी है और स्टिल हम इसे कंटिन्यूसली थोड़ा सा चलाते जाएंगे। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, इसका कलर, इसका टेक्सचर और इसका टेस्ट एकदम परफेक्ट चॉकलेट सिरप की तरह है। आप इसे सिजलिंग ब्राउनीज में हॉट सिरप की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, या आप इसे जब थोड़ा सा कूल डाउन करेंगे तो ये थोड़ा सा और थिक हो जाएगा। तो हम इसी कंसिस्टेंसी पर इसे बंद कर देते हैं और ये थोड़ी देर बाद ये कूल डाउन होकर और थिकन हो जाता है। चॉकलेट सिरप एकदम तैयार है। अब हम इस बोल को भगोने में से निकाल लेते हैं। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, इसका टेक्सचर कितना बढ़िया है।
देखिए मैंने एक केक बनाया था, मैंने उसकी कोई भी फ्रॉस्टिंग नहीं करी है और इसे चॉकलेट सिरप इस पे डायरेक्टली पोर कर दिया है। ये कितना अमेजिंग ग्लेज लुक दे रहा है इस केक को, आप इमेजिन कर सकते हैं इसका टेस्ट, इसका टेक्सचर, और जब आप इसे ऐसे केक पे पोर करेंगे तो ये कितना ब्यूटीफुल लुक देता है इस केक को। इसी तरह से हमने इस केक के पीस को भी ऐसे चॉकलेट सिरप में डिप किया है। अगर आप इसे हॉट चॉकलेट इस पे पोर करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा टेस्ट इसमें देगा। तो देखिए ब्राउनी कितनी डिलीशियस लग रही है, आई एम श्योर आपका ये खाने का सर्टनली मन कर रहा होगा, तो आप इसे ज़रूर बनाइए। हमने कितने कम खर्चे में और कितना इंस्टेंट ये चॉकलेट सिरप बना के तैयार कर लिया है। आपको अगर ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, हमें कमेंट करके बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी, इसे शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।